दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक विपदा की घड़ी आई है देश में। दोस्तों, एक भयंकर महामारी ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मेरा तो आप लोगों को यही मैसेज है कि कोशिश कीजिए पब्लिक गैदरिंग में मत जाइए, और सोशली आप घुलिए मिलिए नहीं। कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए चीज़ों को और घर पे रहिए। लेकिन घर पे रहकर आप लोग करेंगे क्या? घर पे तो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, है ना भाई? ऑब्वियसली बात है, टीवी में इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टिल बोरियत तो आएगी ही आएगी। और प्लस आजकल के कंटेंट की अगर बात करें तो आजकल का कंटेंट ऐसा हो गया है कि आप लोग उसको देख तो सकते हैं, लेकिन पूरे फैमिली वाले एक साथ बैठ के नहीं देख सकते, अलग अलग करके बैठ के देख सकते हैं। लेकिन 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 क्या आप जानते हैं कि दूरदर्शन में ऐसे भी कंटेंट जनरेट होते थे स्टार्टिंग में 80s 90s में, कि आप लोग परिवार के साथ बैठकर उन्हें एंजॉय कर सकते थे। ये जो नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम की जो सीरीज अभी आती हैं, क्या आप जानते हैं कि पहले भी दूरदर्शन में इस तरीके की सीरीज आती थी, और वो भी जबरदस्त होती थी, क्लासी होती थी। जब पूरा भारत शटडाउन हो जाता था, थमसा जाता था, मैं बात कर रहा हूं महाभारत, रामायण, ब्योमकेश बख्शी और किंग खान के सीरियल सर्कस की। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट एक इतनी शानदार गवर्नमेंट है जो कि हमारे एंटरटेनमेंट का हर एक वो पर्टिकुलर नर्व्स रखती है। पता है उनको कि हमको क्या चीजें पसंद है क्या नहीं। दोस्तों, आज तक दूरदर्शन में इस तरीके के सीरियल्स नहीं बने जिस हिसाब से बी आर चोपड़ा जी की महाभारत आई थी। दोस्तों, नितेश भारद्वाज ने उसमें कृष्ण जी की भूमिका निभाई थी। वहीं अगर हम रामानंद सागर की दोस्तों रामायण याद करें, जिसमें अरुण गोविल बने थे राम, फिर रणजीत कपूर की जो ब्योमकेश बख्शी आई थी, या किंग खान का सर्कस जो आया था दोस्तों, वो आज तक हमारे जहन में बसता है, बचपन की यादें हैं उससे जुड़ी हुई। सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, गवर्नमेंट ने हमें घर बैठे बैठे ही एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज दे दिया है। 28 तारीख से दोस्तों शुरू हो गए हैं ये प्रोग्राम। आपको बताना चाहता हूं कि डीडी नेशनल में आप लोग रामायण, ब्योमकेश बख्शी और सर्कस को देख सकते हैं। मैं टाइमिंग बताता हूं, किंग खान के लवर्स आउट देयर, किंग खान के फैंस आउट देयर, आप लोग जो है किंग खान का जो एपिसोड है सर्कस का, वो आज रात 8 बजे देख सकते हैं, राइट? यानी कि 28 तारीख को 8 बजे डीडी नेशनल पे जाइएगा, आपको सर्कस का पहला एपिसोड मिलेगा। वहीं ब्योमकेश बख्शी का दोस्तों ओवर हो चुका है, 11 बजे 11 AM पे आ चुका है वो एपिसोड, एंड जबरदस्त था, मैंने देखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डीडी भारती पर महाभारत आ रही है। वो आता था ना महाभारत, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, वही वाली महाभारत वापस आ गई है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड 12 बजे 12 PM पर जो है टेलीकास्ट हुआ था, और अब जो सेकेंड एपिसोड आएगा वो 7 PM पर टेलीकास्ट होकर आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं रामायण की बात करूं तो वो डीडी नेशनल पर आएगा। ओ बाय द वे, महाभारत डीडी भारती पे है, ओके। रामायण की बात करूं तो वो डीडी नेशनल पे है। पहला एपिसोड हम लोग देख चुके हैं आज सुबह 9 बजे दोस्तों, अमेजिंग था। वहीं दूसरा एपिसोड जो है हम रात के 9 बजे देखेंगे। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना गवर्नमेंट की इन पहल को लेकर? मैं चाहता हूं आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, घर पे बैठिए काम कीजिए, कुछ भी, अपने आप को बिजी रखिए, कुकिंग में बिजी रखिए, गार्डनिंग में बिजी रखिए, या घर के छोटे छोटे काम करने में बिजी रखिए, लेकिन यस, कृपया करके बाहर मत जाइए। अपना ख्याल रखना।